इस सुंदर पेड़ को हिंदी में अमलतास कहते हैं, इसका बोटैनिकल नाम है कैशिया फिस्टुला और अंग्रेजी में इसका लोकप्रिय नाम है गोल्डन शावर या फिर द इंडियन लैबर्नम ट्री। ये पेड़ 2002 में लगाया गया था और ये लगभग 13 साल पुराना है। मार्च अप्रैल में अमलतास के पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो देखने में एकदम पीले रंग का खूबसूरत वृक्ष नज़र आता है। आप यहाँ पर उसके जो फ्रूट्स हैं, लंबे पाइप जैसे उसके फलियाँ लटक रही हैं। जब ये नए होते हैं तो इनका रंग हरा होता है और थोड़ी मैच्योर होने के बाद में ये भूरे हो जाते हैं और इन पाइप जैसे फलों की वजह से इसका अंग्रेजी में एक और बहुत प्यारा सा नाम है जो है पुडिंग पाइप ट्री। आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल सुंदर फूल ऐसे लगते हैं जैसे कोई झाड़ फानूस पीले रंग का लटक रहा हो। यहाँ पर आप अमलतास के हरे निर्मल पत्ते देख सकते हैं और ये पेड़ बहुत कम लोग को पता है कि ये थाईलैंड का राष्ट्रीय पेड़ है और ये अमलतास के जो फूल हैं ये केरल प्रांत के केरल राज्य का राज्य फूल है और ये वहाँ के विशु पर्व पर बहुत उपयोग होता है। इस फली के अंदर बीज होते हैं जो बहुत ही औषधीय होते हैं और आयुर्वेद में उनका उपयोग होता है।